इस पोइम में हमें पॉइट ने क्या बताया है कि हमें किसी भी पर्सन में चाहे उसका रिलीजन अलग हो चाहे उसकी नेशनैलिटी अलग हो या फिर कलर अलग हो हमें उनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि गॉड ने हमें एक ही तरह से बनाया था क्योंकि हम सारे एक ह्यूमन बींग्स ही हैं चाहे हमारा कलर अलग हो नेशनैलिटी अलग हो या फिर रिलीजन ही क्यों ना अलग हो हम सभी एक ह्यूमन बींग्स ही हैं इसलिए हमें इसमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन में फ़ौरन मतलब हमसे अलग चाहे वो उसकी नेशनैलिटी अलग हो जैसे हम फॉरन कंट्रीज़ को बोलते हैं उसी तरीके से है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी इंसान है वो फ़ॉरन नहीं होता है क्योंकि सारे एक ह्यूमन बींग ही होते हैं इसमें पॉइंट ने अलग अलग डिफरेंसेस बताए हैं जो हम करते हैं ह्यूमन बींग्स के बीच में और सिमिलैरिटीज़ बताई हैं कि किस तरीके से हम सभी एक जैसे हैं इसलिए हमें उनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था पोइम के बारे में नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टेंजा व्हिच इज़ रिमेंबर नो मैन ऑफ स्ट्रेंज नो कंट्रीज़ फॉरन बिली बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स इसमें हमें पोइट कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान कोई भी ह्यूमन बींग अलग नहीं होता है अजीब नहीं होता है और ना ही कोई कंट्रीज़ फ़ोरन होती है ना ही कोई कंट्रीज बाहर की होती है क्योंकि हर एक ह्यूमन हर एक मैन एक ह्यूमन बींग होता है और हर एक कंट्री एक अर्थ पे ही लाई करती है तो ना ही कंट्रीज़ अलग होती हैं और ना ही मेंस अलग होते हैं सब कुछ सेम होता है क्योंकि गॉड ने सब कुछ एक ही तरीके से हमें ह्यूमन बींग्स को बनाया है बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स यहाँ पर बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स यूनिफॉर्म्स यहाँ पर सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है मिलिट्री के लिए यूज़ किया गया है जो अलग अलग तरह की फोर्सेज होती हैं जो कि अपनी अपनी कंट्रीज़ को बचाने के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं पॉइंट कहते हैं कि उन सभी के यूनिफॉर्म्स के पीछे एक ही सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है और वो किसकी बॉडी होती है एक ह्यूमन बींग की होती है चाहे वो पाकिस्तान का सोल्जर हो चाहे वो इंडिया के मिलिट्री की फोर्स हो कोई भी सभी के यूनिफॉर्म्स के पीछे एक ह्यूमन बींग ही होता है मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान अलग नहीं होता है नाउ लाइक आर्स द लैंड ऑफ ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेयर लाइ कि कहते हैं कि हमारी तरह ही लैंड होती है जो हमारे ब्रदर्स हैं ब्रदर्स यहाँ पर हमारे कोई रिलेटिव नहीं ब्रदर्स यहाँ पर हर एक दूसरे ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हुआ है जो हमारे आसपास हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से हम लैंड पर चलते हैं उसी तरीके से हमारे ब्रदर्स भी चलते हैं उसी तरीके से हर एक ह्यूमन बींग उसी लैंड पर चलता है इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेर लाइक तो वो कहते हैं कि सारी जो कंट्रीज है और हम हमें वो एक लैंड के ऊपर अर्थ के ऊपर ही रहते हैं और इसी में ही हमें एक दिन मिल जाना होता है क्योंकि हमारी डेथ के बाद चाहे वो हिंदू रिलीजन हो या फिर मुस्लिम हो क्रिश्चियनिटी हो उन सभी को लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाना होता है तो वो कहते हैं कि हम उसी तरीके से सारे जीते हैं और उसी तरीके से हम मर जाते हैं हम मिट्टी में दब जाते हैं आई होप फर्स्ट एंसर इज क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई फोर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाय वोर्स लोंगर विंटर स्टार्ट तो यहाँ पर वो कहते हैं कि दे, दे यहाँ पर हर एक दूसरे ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हुआ है जो कि हमसे अलग है रिलीजन के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे या फिर कंट्री के बेसिस पे तो वो कहते हैं कि उन्हें भी हमारी तरह ही सन का पता है कि सन हमें किस तरीके से सनलाइट देता है उन उन वही वो भी हमारी तरह ही वही एयर ब्रीथ करते हैं और साथ ही वही पानी पीते हैं जिस तरीके से हम पीते हैं जैसा पानी हम पीते हैं वही पानी वो भी पीते हैं एंड आर फेड बाई पीसफुल हारवेस्ट वो कहते हैं कि उसी तरीके से वो भी अपना पेट भरते हैं जिस तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद में अपना पेट भरते हैं उसी तरीके से वो भी हार्वेस्ट करते हैं खेती करते हैं और तब उनको जा कुछ खाने को मिलता है बाय वोस लॉन्ग विंटर स्टाव की जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो जिस तरीके से लड़ती हैं उसके पीछे जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं जो हार्वेस्ट होता है वो सभी को पर्सनस को एक ही तरीके से मिलता है और वो वो सब वही खाते हैं जब वॉर्स होती हैं उसमें जब बहुत सारी कमियाँ हो जाती है खाने की तो हर एक कंट्री में जब वॉर्स होती हैं तब ऐसा ही होता है देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम अवर On. तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से उनके हाथ होते हैं उसी तरीके से हमारे हाथ भी हैं उनके हाथ मतलब दूसरा कोई ह्यूमन बींग उसी तरीके से हमारे हाथ होते हैं और उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे हाथ में लाइंस होती हैं रेखाएं होती हैं उसी तरीके से उनके हाथों में भी होती है और कोई भी अगर हम इंसान ले लेते हैं चाहे हमारी कंट्री का कोई काम करने वाला लेबर ही क्यों ना ले या फिर दूसरी कंट्री का भी ले तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो दोनों ह्यूमन बींग्स ही हैं नेक्स्ट इज़, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन देन पॉइंट कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि उनकी भी हमारी तरह ही दो आंखें होती हैं जो कि ड्रीम्स देखती हैं जो कि सोती हैं ड्रीम्स देखती हैं और स्ट्रेंथ जो कि हम जीत सकते हैं स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है लव लव ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी अर्थ को पूरी वर्ल्ड को जिससे हम जीत सकते हैं एक तो हम वेपन से या फिर नफरत से किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंसान को किसी को भी हम जीत नहीं सकते हैं लेकिन प्यार से हम सब कुछ जीत सकते हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमेशा सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और किसी के लिए नफरत नहीं फैलानी चाहिए बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ वो कहते हैं कि चाहे कंट्रीज ही अलग क्यों ना हो सब जगह पर एक ही कॉमन चीज़ होती है जो क्या होती है कॉमन चीज़ लाइफ लाइफ यानी कि ह्यूमन बींग्स कि हर एक कंट्री पे चाहे कंट्रीज कितनी अलग ना क्यों ना हो चाहे उसमें बीच में बॉर्डर्स ही क्यों ना हो लेकिन हर एक कंट्रीज़ में एक ही चीज़ कॉमन रहती है वो क्या होती है लाइफ्स यानी कि ह्यूमन बींग्स हर एक कंट्री में ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि सारे एक जैसे ही होते हैं दैट कैन ऑल रिकगनाइज एंड अंडरस्टैंड और वो सारे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी में ये क्षमता होती है कि वो पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं हर एक चीज़ को जैसे कि अगर उनकी आगे कोई भी सिचुएशन आती है तो वो उन सभी चीज़ों का समझ सकते हैं और साथ ही उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में क्या चीज़ है नेक्स्ट एनजाइज लेटस्ट रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्स डेट वी शेल डिस्पोजेस बेट्रे कंडर वी ओल वी हुस अगेंस्ट ईच अदर कहते हैं कि चलो अब हम हमेशा ये याद रखते हैं कि जब भी हमें बोला जाता है कि हम अपने ब्रदर्स को हेट करें ब्रदर्स ब्रदर्स मतलब जो दूसरी कंट्रीज के जो हमारे फ्रेंड्स uh, हैं या फिर दूसरी कंट्री के जो भी पर्सनस हैं जब हमें उनके लिए हेट करने को बोला जाता है तो वो पोइट कहते हैं कि हम ही होते हैं जो खुद को धोखा देते हैं खुद को नीचा दिखाते हैं और खुद ही को बर्बाद कर देते हैं कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या फिर किसी और के लिए बुरा करते हैं तो वो हम ही होते हैं जो खुद को नीचा दिखाते हैं ऐसा करके नफरत फैला के और खुद ही को हम धोखा देते हैं दूसरों को दूसरे की लाइफ को बर्बाद करके रिमेंबर हो वी वी हु टे काम्स अगेंस्ट ईच अदर की वो कहते हैं कि हम ही हैं हम ह्यूमन बींग्स ही हैं जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर नफ़रत फैलाते हैं एक दूसरे के ऊपर वेपन्स को उठाते हैं जिस तरीके से वोर्ड्स होती हैं दो कंट्रीज़ में तो वो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही वोर्ड्स होती हैं दो ह्यूमन बींग्स के बीच में इज इट द ह्यूमन और दैट वी डिफाइड आर हेज़ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेच द इन द सेंस ओ फर देट इज़ एवरी वेयर आर ओन रिमेंबर नो मैनर फॉरन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज तो वो कहते हैं लास्ट में जेम्स क्रिकुप कहते हैं कि ये जो है एक ह्यूमन अर्थ ही है जो कि हम खराब करते हैं जब हम दूसरे की नफरत फैलाते हैं दूसरे को मारते हैं वेपन्स का यूज़ करते हैं तब हम ह्यूमन अर्थ को ही खराब कर रहे होते ह्यूमन अर्थ को ही पोल्यूट कर रहे होते हैं और जो हमारी हेल्थ ऑफ फायर है यानी कि नरक की जो आग है जो बुरी फायर है बुरी जो आग है हमारे अंदर नफ़रत की वो सारे इनोसेंस को जो है उनको बर्बाद कर रही है इनोसेंस को यानी कि इनोसेंस यानी कि अगर दो कंट्रीज़ में अगर वॉर हो रही है तो उसमें जब सोल्जर्स मरते हैं मिलिट्री वाले मरते हैं उनके पीछे उनकी फ़ैमिलीज़ भी होती हैं जो कि उनके मरने के बाद बहुत ही दुख हो दुखी हो जाती हैं तो मतलब हमारी वजह से ह्यूमन बींग्स की वजह से इनोसेंस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है ओफ यर दैट इज़ एवरी आर ओन वो कहते हैं कि जो जब वॉर्स होती हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स का यूज़ किया जाता है वर्स होती है तब नफरत की जो हवा है वो सब जगह पर फैल जाती है उस आग की वजह से नफ़रत की आग की वजह से सब जगह पर वो जो आग है वो फैल जाती है और सब और कहीं पे भी पीस नहीं रहता है रिमेंबर नो मैन आर फॉरन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी मैन बाहर का नहीं होता और ना ही कोई कंट्रीज स्ट्रेंज होती हैं अजीब होती हैं सारे एक जैसे ही होते हैं ओके फ्रेंड्स सो दिस वॉज द पोएम आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द पोएम ऑल ऑफ द स्टेंजा एंड एवरी लाइन ऑफ द स्टेंजा सो ना आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग